मोबाइल कैसे आप छीन लिए? पहले आदमी को पता, आप मेरे हाथ से मोबाइल कैसे छीन लिए? सर आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के आधार पे आप जो डिसीजन लेना है ले मतलब पहचानते हैं आपने एक मीडिया के हाथ से मोबाइल कैसे छीन लिए? पहले मीडिया के तरफ आए हैं आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। देश इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है, हर कोई मिलकर इस बीमारी से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में इसके रोकथाम के लिए भारत सरकार ने संपूर्ण देश को 17 मई तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन कर दिया है और प्रशासन इस लॉकडाउन का सख्ती से पालन भी करा रहे हैं। लेकिन आगरा में दैनिक जागरण के पत्रकार पंकज कुलश्रेष्ठ की कोरोना से मौत हो गई। इससे पहले बनारस में स्वतंत्र पत्रकार रिजवाना तबस्सुम ने भी खुदकुशी कर ली थी। आगरा से पंकज कुलश्रेष्ठ की मौत की खबर आई ही थी कि दिल्ली में वरिष्ठ पत्रकार और कहानीकार शशिभूषण द्विवेदी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इससे एक दिन पहले पंजाब केसरी के पत्रकार कमल शर्मा का देहांत हो गया, जो पहले ही कैंसर से पीड़ित थे। इधर वेब पत्रिका स्त्रीकाल के संपादक संजीव चंदन किडनी की डायलिसिस पर दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती है। एक तरफ पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर हर खबर आप तक पहुंचाने की हर कोशिश कर रही है, हर प्रयास कर रही है, हर दबी कुचली आवाज़ को उठाते रहे हैं। लेकिन बिहार के सुपौल में इन दिनों कुछ अलग ही माजरा देखने को मिला। सुपौल के त्रिवेणीगंज बाजार में स्थानीय पुलिस प्रशासन के दोहरे रवैये को देखने को मिल रहे हैं, जहां व्यापारी दबंगई दिखाते हुए खुलेआम अपनी दुकानों को खोलकर दबंगई के साथ ग्राहकों को बुलाकर कपड़ा बेच रहे हैं। सूचना मिलने पर जब पत्रकार पहुंचते हैं तो वहां दुकानदार के करीबी दबंगई दिखाते हुए पत्रकार का मोबाइल छीन लेता है। आइए वो घटना का एक छोटा सा अंश दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मोबाइल कैसे आप छीन लिए? पहले आदमी को पहचानते हैं, मेरे हाथ से मोबाइल कैसे छीन लिए? पहचानते हैं आपने एक मीडिया के हाथ से मोबाइल कैसे छीन लिए? पहले मीडिया के तरफ आए हैं आप, मीडिया के रोड के तरफ आए हैं आप, मीडिया कर्मी रोड मोबाइल आए हैं छीने आपने, एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल के मीडिया मोबाइल छीना कर रहे हैं आप, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी का मोबाइल छीना है, क्यों छीना? आपने अभी देखा और सुना किस तरह से एक पत्रकार के साथ अभद्रता की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं, वो सिस्टम व्यवस्था से क्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की कीमत यही रह गई है? क्या हमारे देश में सच दिखाना गुनाह हो गया है? क्या सच्चाई को उजागर करना देश में गलत हो गया है? अगर नहीं तो फिर एक पत्रकार को इस तरह से क्यों किया जाता है, उनका फोन क्यों छीना जा रहा है? खैर आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक कड़वी सच्चाई बताता हूँ। जिस समय यह माजरा चल रहा था उसी समय संयोगवश त्रिवेणीगंज SDM भी मौके पर पहुंचे और मामले को देखकर दुकानदार के विरुद्ध लॉकडाउन उल्लंघन का प्राथमिकी दर्ज करने की घोषणा की और वहां से निकल पड़े। लेकिन तकरीबन 24 घंटे बीतने के बाद भी प्राथमिकी की बात तो दूर, कपड़ा के दुकानदार पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आप खुद ही जरा सोचिए, एक पत्रकार के साथ अभद्रता होती है तो वो वहां के प्रशासन चुप्पी साधे बैठ जाते हैं। अगर आम लोगों के साथ कुछ हो रहा होता होगा तो उसके साथ क्या न्याय मिलता होगा, वो आप इस घटना से खुद अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन दोबारा वो दूसरा हिस्सा सुनाना चाहूंगा आपको, वो जरा सुनते हैं उसमें क्या कुछ कहा है। सर आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के आधार पे आप जो डिसीजन लेना है ले, मतलब क्या कहना क्या है? ये दुकान खुली हुई थी, हम लोग बहुत देर से वेट एंड वॉच कर रहे थे, एक बार सर मेरा बोलने का मौका मिला, खबर बनाने के लिए आए थे। ये तस्वीरें आज के सिस्टम व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। बहरहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि त्रिवेणीगंज पुलिस प्रशासन दोहरी नीति अपनाने में नहीं चूक रहे हैं। गरीब मजदूर और मजबूर अगर अपनी भूखे पेट की आग बुझाने की जुगत में घरों से निकलते हैं तो उन पर पुलिस लाठियां बरसाती है, और दूसरी तरफ पूंजीपति अगर नियमों की इस तरह धज्जियां उड़ाते हैं तो उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती, बल्कि स्थानीय पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे त्रिवेणीगंज दुर्गा मंदिर के पास व्यापारी खुलेआम इस कदर कपड़े की दुकान खोलते हैं और सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, तो इनके विरुद्ध कार्रवाई के बगैर इसे प्रशासन अंदरूनी सह देने में लग जाते हैं। जिस स्थान का यह मामला है उसी स्थान पर इस लॉकडाउन में स्थानीय पुलिस का पिकेट बना हुआ है, जहां एक मजिस्ट्रेट भी तैनात है। इस मामले में सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब यह पूंजीपति वर्ग स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से पत्रकारों के विरुद्ध तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं। लिहाजा अब सवाल उठना लाजमी है कि आखिर पत्रकार का फोन क्यों छीना गया, दूसरा कि लॉकडाउन की धज्जियां क्यों उड़ाई गई? अगर उड़ाई गई तो स्थानीय प्रशासन ने 24 घंटे के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं की? इसका जवाब पूरा देश जानना चाह रहा है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।